सब कुछ लाइव जाने वाले वापस. लेट्स ब्रिंग बैक दैट टाइम विथ ऑल दोज लेजेंडरी म्यूजिशियंस जो इतने सालों से हिंदुस्तानी म्यूजिक को आगे लेके जा रहे. लेट्स गो टू स्लीप. मेरे को लगता है अच्छा गाना है ना. सच्ची देखते हैं, बाकी पब्लिक डिसाइड करती है. और मुझे लगता है मैंने दिल से बनाया तो सबको पसंद ही आएगा. चलो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे गुड नाइट जोन में. दे दे प्यार दे प्रकाश सर. से हेलो सर. हाय एंड प्रभात हूज लेट टुडे. लास्ट में सबसे करा लो. 90s लाना है, 90s का गाना है. चलेगा सब भूल गया मैं तो. 90s किडो करना ही है. मैंने कभी नहीं किया ना ऐसा गाना. वी कैन कीप दिस आल्सो सी. ठीक है. मैं नहीं अमल का गाना काफी टाइम से कर रहा हूँ. इनके डैडी का गाना किया था फर्स्ट गाना जो इनका था थोड़ा सा प्यार हुआ है. गाना सुना बहुत अच्छा लगा. गाना मैंने कोशिश की है कि आज के दौर का जो प्रोग्रेशन साउंड स्केप जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट करने का. सिर्फ लास्ट में या तो वो या तो दे रा 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 या उसका कोई काउंटर. But that string run is the main key. उसके बाद आप सपोर्ट कर रहे हैं जो है. Your weekend. Bro, we are recording 16 violins plus 8 violas. बहुत ही मजा आएगा 24 आदमी रिकॉर्ड करने का. बहुत बड़े टाइम के बाद मैं भी खुद रिकॉर्ड करूंगा. At Yashraj Studios with Prakash Peter sir, and for me it is a dream come true moment because he has played on my dad's first song Thoda Sa Pyar Hua Hai. Today we are here recording live strings, violins, violas, the whole section for Chale Aana, my first song where I got the chance. Ye full on 90s melody presented in a new style. चले आना एक ऐसा गाना था जिसने मेरे दिल को छुआ. जब अमल ने पहली बार मुझे वो गाना सुनाया एंड सडनली उसकी रिक्वेस्ट ये थी कि डैड व्हेन आई एम डूइंग द स्ट्रिंग सेक्शन आई वांट यू टू कम एंड बी पार्ट ऑफ इट सो दैट योर डीएनए योर 90s फील योर फील ऑफ बेसिक melodic progression and how you do it. और आज अमाल मलिक साहब के साथ भी मैं काम कर रहा हूँ. बहुत प्यारा गाना इन्होंने रिकॉर्ड किया है. इनके फादर डब्बू मलिक जी के साथ भी मैंने बहुत काम किया है. और मेरी शुभकामना है कि हमेशा की तरह ये हिट गाने देते हैं. ये भी गाना हिट होगा. Kunal Verma, the writer of De De Pyar De, of both my songs and two big songs, All Heart. Chale Aana is very close to my heart because जब मैं जयपुर रहता था, माल का जब मेरे पास जयपुर फोन आया था, तो उस time मैं कुछ अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा था अपने आप से, तो काफी अलग मूड में था, काफी लेट फोन आया था, बोले ब्रो I love your song, Hasi Ban Gaye, and I want you to write this song.
एक सिचुएशन बोला कि मुझे एक सैड सॉन्ग चाहिए, आप कुछ भी लिखो, मैं आपको कुछ मीटर, मैंने पूछा कुछ मीटर आपके पास में, तो ये सैड की मैं आपको कुछ बना के भेजता हूँ। देन फ़ोन पे भी हमने कुछ क्रैक किया था, तो कुछ मेलोडी होती तो दिस वॉज द मेलोडी, तो मैंने बोला भाई मैं करके और आपको कुछ भेजता हूँ। फिर मैंने अमाल को कुछ, मेरे पास लाइन्स आई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अच्छी है बुरी है, ओल्ड लग रही थी मुझे, थॉट थोड़ा सा अजीब था, मतलब आजकल ये वर्ड्स यूज़ नहीं होते, दीवाना और ये सब वो सब यूज़ नहीं होता है। तो फिर भी मैंने अमाल को बोला कि मैंने भाई, मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैंने कहा ब्रो आई हैव डन समथिंग स्टूपिडिटी, तो आप चेक कर लो एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बता देना। तो अमाल ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पर नाच रहा था और जोर जोर से गा रहा था, जुदा हो गए माना मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊँ तो चले आना चले आना। Thank you. What you are doing is going to keep that element of modernity and all alive in the song. Jo kahi kho jayega nahi to. But you still have to be straight. This is happening. This moment, that whole vibe has to come. Little bit. Lovely. So, one more. Nice. Chahiye. Again. Thoda percussion mein add karo. नमस्ते, आई एम दीपेश वर्मा। Really, really happy to be a part of this beautiful song composed by Amal Malik and sung by Arman Malik. It's called Chale Aana from the movie De De Pyar De. And I'm really, really thankful to Amal for having me on board to arrange the live rhythms and percussion section for the track.
सुपरवाइजर शिवम चलाना इज मिसिंग इन एक्शन. कैमरामैन को धक्का. First time is we can do that. Yeah. Guys, today is a very big day. We are recording the song Chale Aana for the movie Dete Pyar De. It's been composed by my brother Amal and written by Kunal Verma. And hum teenon ki team ek saath aayi thi for the song Ghar Se Nikalte Hi. And that was a stupendous hit only because of your love. So here's wishing and praying that you guys give the same love to Chale Aana as well. Mic ready? हाँ चल. सही है. मेकअप वेकअप कुछ नहीं डाला. मस्त. क्योंकि ओरिजिनल लगना चाहिए. हाँ ओरिजिनल लगना चाहिए. ओरिजिनल टुडे इज रिकॉर्डिंग हर मार. लेट्स डू दिस. तरह खाना और फिर चले आना. ये हमारे दुखद मैनेजर जिनको मुझे साइन करके तकलीफ हो गई. देखो रिटायर हो गया. सो टुडे एंड वी आर रिकॉर्डिंग चले आना टुडे. और इस गाने पे इट्स अ वेरी बिग डे फॉर अस. दे दे प्यार दे इज अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट. चले आना चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊं ये बातें. 17 December is when I was narrated this film. Wow. By Aki Wali and Love Ranjan. Basically, singing में आना चाहिए heroism के कभी मैं याद आऊँ तो चले आना चले आना. मैं रोका हूँ तेरे लिए. तेरे को जब मानो तू आ. That emotion has to come in the end. हर line में उन्हीं से कभी मैं याद आऊँ तो चले आना. That means I am here, my love, you come. सांसों से ज्यादा जो जरूरी था तारा. सांसों से ज्यादा जो जरूरी था भी क्या वैसे भले दूरी सांस गई. 8 बार का पॉज है इन बिटवीन. इधर 25 घंटे पिछले 1 साल से मैं मर रहा हूँ और ये भाई साहब अभी आए और रो रहे हैं. 3-4 गाने मैंने सोचे बट फिर एक रात को आफ्टर दैट नरेशन मैं घर पे आया. एंड दैट डे इटसेल्फ जिस दिन नरेशन हुई ना स्क्रिप्ट रीडिंग थी ये स्टोरी जब उन्होंने सुनाई तो मुझे एक सिंपल सी मेलोडी आई. लिरिक्स इसके मतलब आई थिंक दे आर द लिरिक्स दे आर द किंग ऑफ द सॉन्ग. जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैं इसी भाषा में कहूंगा. इससे ज्यादा मुश्किल नहीं इससे ज्यादा आसान नहीं. एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग की लिरिक्स एक सुपर्ब आवाज एक खूबसूरत आवाज जो फील करती है उन लिरिक्स को. एंड ऑब्वियसली मी एंड माई टीम ऑफ म्यूजिशियंस रिकॉर्डर्स इंजीनियर्स अरेंजर्स एंड डैड हैज कोलैबोरेटेड विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम. The Maliks are together. The trio is
ऑन द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ देयर करियर टुगेदर. यानी अब तक डैड यानी हम लोग हमारी जर्नीज पे देख रहे थे एंड जो 24 पीस ऑर्केस्ट्रा है जो रिकॉर्ड हुआ है इस गाने पे वो डैड ने अलॉन्ग विद प्रकाश पीटर्स जो अरेंज किया है आप सब सुनोगे. इट्स ब्यूटिफुल. यानी ऐसा लगता है 2019 में पूरा 90s का वाइब आ गया. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अरमान में और डैड साथ में विथ ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम दादा श्री सरदार मलिक वी आर डूइंग आवर फर्स्ट सॉन्ग टुगेदर एंड इट्स गोना बी क्रेजी. आई थिंक इट्स गोना टू बी लव्ड बाय एवरीवन. जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना कहीं मैं याद आऊं तो चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊंगा. फर्स्ट टाइम यू एंटर सुपर पे सेकंड टाइम जुदा हैज टू बी लाउडर देन तुम है मैं और लाउडर वो डायनामिकली इट हैज टू क्लाइम. ठीक है. तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये बातें दिल में ना लाना कभी मैं याद ना कौन मेरा एक तू ही था सांसों से सेम गा रहा मेरे दोस्त क्या बात है सेम तेरे लिए मैं कुछ नहीं लेकिन मेरे लिए छोड़ मैं कुछ नहीं बोलता अच्छा गा रहा कुछ था नहीं जाना भुला कर वन टेक चालू बॉस तुम ही कहते थे रही खुशियां रही मेरी कि तुम भी वक्त जैसे हमारा सा रहेगा भी करे क्या दिल है दीवाना कभी मैं याद आऊं तो चले आना सेकंड अंतरा भी इतने अच्छे से गा दिया है तो अंदर आके पप्पी मिलेगी. ये मतलब पहली बार अप्रूव हुआ है एक टेक में. बेटा ये फर्स्ट राउंड है ऐसा 13 राउंड है. मजाक कर रहा अच्छा कर रहा टेक 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 मैंने तुम्हारी बात मानी है. देख थोड़ा सैड हो रहा आदमी यहाँ पे. मैंने मनाया दिल को है कैसे अब से वो अलग लेंगे पहले सी मैंने तुम्हारी पहला नोट अरमान मैंने दीरारा मैंने तुम्हारी बात मानी है मैंने मनाया दिल को है कैसे अब से रहो तुम खुश जहां भी हो मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना यहीं तक था सफर अपना तुम्हें है लौट कर जाना कभी मैं याद आऊं तो चले आना ये गाना हमेशा आपके साथ रहने वाला ये मेरे को पता है. यानी दिस सॉन्ग इज मेड विद सो मच लव एंड सो मच हैप्पीनेस कि इट विल नेवर लीव यू ये मेरा प्रॉमिस है. Enjoy the song. Bye. Bye.